हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इसमें बात करेंगे यूपीएससी प्री की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या जा सकती है 2023 की। इसमें कुछ हम फैक्टर लेंगे, ठीक है। इसमें जो है कोई कट ऑफ आपको 70 बता रहा है, ठीक है, कोई कट ऑफ 80 बता रहा है, ठीक है, कोई आपका 85 प्लस कट ऑफ बता रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फैक्टर है, ठीक है। तो आप लोग जितनों से पूछेंगे सब लोग अलग बताएंगे। तो कुछ फैक्टर के हिसाब से जैसे हम लोग पेपर देते आए हैं यूपीएससी का, तो उस हिसाब से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि 10 लाख लोग, 8 से 10 लाख लोग जो होते हैं आपके एस्पिरेंट रहते हैं, ठीक है। हर साल 10 लाख लोग यहाँ पे बैठते हैं यूपीएससी परीक्षा में। उसमें से जो होता है 1 लाख जो होता है सीरियसली तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। 1 लाख जो होते हैं सीरियसली, यही यहाँ पे कट ऑफ बताते हैं, ठीक है। उसमें ही आपको कट ऑफ ही बताई जाती है, बाकी तो ऐसे होते हैं कुछ एक्सपीरियंस वाले होते हैं, ठीक है। तो जो 1 लाख यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वही आपको पेपर का लेवल कैसा है वही आपको बताते हैं, वही गैस कराते हैं, ठीक है। गैस करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है इस बार का, ठीक है। तो लेवल कठिन है, इजी है, तो इसी के बारे में कुछ हम फैक्टर लेंगे, ठीक है। जीएस का कैसा था, सीसेट का कैसा था। तो सबसे पहले पेपर, ठीक है, पेपर की बात कर लेते हैं जीएस की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीसेट के पेपर की, ठीक है। ये पेपर कैसा आया था जीएस का, जो पेपर आया था आपके पास जीएस का, इस बार जो पेपर आया हुआ था वो पिछले बार जो जीएस का पेपर आया था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। पिछले बार तक क्या पूछ रहा था कि ऑप्शन में आपको दे दिए थे 1.2, उसमें से बताइए ऑप्शन, कोई क्वेश्चन दिया था जैसे ऑप्शन में 1.2 ये सही है या 2.3 सही है, ठीक है, 2 या 3 सही है, ठीक है, 3 या 4 सही है, या इनमें से सभी सही है करके ऐसे ऑप्शन दिया करते थे। इसमें क्या कर सकते थे, एलिमिनेट आसानी से कर सकते थे। बट इस बार जो जीएस के पेपर में था, आप लोगों ने देखा होगा, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 5वां सही है, ये बताना था, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है इसमें आपको बताने थे, ठीक है। तो थोड़ा जो पेपर था इस बार जीएस का पेपर, ठीक है, बहुत लेवल हाई था इस बार। कम से कम ऐसी क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन भी देखने को मिले इस टाइप के, ठीक है। पहले ऐसा पैटर्न आता था, बट इस बार जो है 1 सही है, 2 सही है, 3, 4, 5 में से सही बताने थे, ठीक है। इसमें से लगभग लगभग हम बता दें, ठीक है, स्टूडेंट के जो भी 1 लाख स्टूडेंट थे उसमें से आपके 5 से 10 ही ऐसे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट के जिनके गलती हुए होंगे, और 5 से 10 कुछ लोगों के यहाँ पे सही हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीएस का पेपर जो था वो अच्छा खासा पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे आए थे, बट इस बार जो ऑप्शन थे उन्होंने अलग ही पैटर्न में ऑप्शन दे दिए थे, जिससे यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ में जो है 5 से 10 यहाँ पे नंबर की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है पिछले बार के मुकाबले। फिर हम बात कर लेते हैं सी सेट के बारे में, ठीक है। सी सेट के बारे में हम जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, इसमें आती है। उसके बाद पैरा आता है, पैराग्राफ, ठीक है। तो ये जो पहले पूछा जाता था, ठीक है, 40:60 में पूछा जाता था, कुछ यहाँ पे 40 नंबर की मैथ या रीजनिंग आ जाएगी और ये पैरा 60, ठीक है, इस टाइप का आता था प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप पेपर। बट इस बार थोड़ा अलग कर दिया हम लोगों को, क्या था इसमें सी सेट में जो रहते हैं 80 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के रहते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, कितने नंबर में, 66 नंबर में, 66 नंबर में यहाँ पे क्वालिफाई कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सी सेट के पेपर में तो बहुत सारों का क्या होता है कि बहुत लोगों का मैथ एंड रीजनिंग जो होता है आपके पास बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा करके जाते हैं मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, उनका बहुत अच्छा होता है। तो इस बार जो था, ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग बहुत ही बहुत, ठीक है, बहुत कम पूछी गई थी मैथ एंड रीजनिंग का पोर्सन, ठीक है। जिनका भी स्ट्रांग था वो बहुत ही यहाँ पे पीछे हो चुके हैं, मैथ एंड रीजनिंग बहुत ही कम पूछी गई थी। और जो पैरा है आपके पास ये तो आपको डिसाइड करता है यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी इसका आंसर डिसाइड करता है क्या आंसर रहेगा। अब क्या है कि लोगों का क्या है, ईजिली यहाँ पे सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मैथ एंड रीजनिंग बहुत ही यहाँ पे क्या था कि बहुत ही कम सवाल थे। अगर बात करें हम, ठीक है, रीजनिंग की, ठीक है, मैथ के तो बहुत ही यहाँ पे कम क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे क्या था कि रीजनिंग हो नहीं रही थी, बहुत ही कठिन थी, ठीक है, बहुत ही हार्ड थी रीजनिंग यहाँ पे सी सेट में जो थी, यहाँ पे रीजनिंग बहुत ही हार्ड पूछी जाती रीजनिंग, ठीक है। मैथ के तो बहुत कम क्वेश्चन आए थे, ठीक है, क्वेश्चन जो थे बहुत कम थे। जो सी सेट की जो रीजनिंग थी बहुत ही कठिन थी, यानी कि हार्ड थी, ठीक है। तो इस वजह से जो था कि सी सेट का पेपर इजीली यहाँ पे जो है क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब कट ऑफ की इसमें बात कर लेते हैं हम, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, पिछले साल की देखिए, पिछले बार की जो कट ऑफ थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है, कितनी जाती थी कट ऑफ,
जो कट ऑफ जाती थी 85, आपको लगभग लगभग 85 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिल जाती थी, जनरल की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। वहीं इस बार की जो कट ऑफ है, जो मेन फैक्टर है, ठीक है, 1 लाख का जो स्टूडेंट का ब्योर है जो सीरियसली तैयारी करते हैं। पिछले बार भी मैंने कट ऑफ बनाई थी अलग चैनल में, यूसी अकेडमी में, तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं डालते रहता हूँ यूपीएससी की वीडियो, ठीक है, तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो इस बार इस चैनल पे मैं लाया हूँ, ठीक है, कट ऑफ उसमें भी आ जाएगी यही वीडियो, ठीक है। तो इस बार की जो कट ऑफ है अलग अलग फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जिसके भी आपके पास, ठीक है, कट ऑफ बता रहे जनरल के 70, ठीक है, जनरल के प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, 70 अगर यहाँ पे बन रहे हैं तो आप लोग अपने आपको सेफ समझिए, आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है। जिसके भी आपके जीएस में 71 है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे इस बार की जो कट ऑफ है, जो अलग अलग फैक्टर हैं, वो आपके पास 70 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी जरूर कीजिए आगे की, क्योंकि कितने लोगों का यहाँ पे सी सेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो आप लोग जरूर तैयारी कीजिए। यूपीएससी की ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।